रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, उनका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम का डेट है वो आ गया है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कब से होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहले बार आए होंगे उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम की तारीख है उसकी घोषणा हो गई है और इसके एग्जाम से रिलेटेड जो जानकारी है मैं आपको अभी वीडियो में आगे देने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं दैनिक जागरण के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको पता होगा दैनिक जागरण एक भारत की प्रतिष्ठित अखबार है जो कि सही न्यूज छापती है। तो मैं ये आ गया हूँ दैनिक जागरण के वेबसाइट पे, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसका लिंक जो है, इस वाले न्यूज का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो पाए और आपको लगे कि ये जानकारी बिल्कुल सही है। तो देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आरआरबी एग्जाम कैलेंडर 2019-20 चेक एग्जाम डेट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी पैरामेडिकल एंड रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। इन्होंने आगे लिखा है, देखिए इस तरह से आप आइएगा तो देखिएगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी एंड रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी हैव अनाउंस वैकेंसी फॉर दिस ईयर लाइक जूनियर इंजीनियर नॉन टेक्निकल एनटीपीसी कैटेगरी पैरामेडिकल मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड। और यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के जो एग्जाम कैलेंडर जो भी है ये इन्होंने तैयार किया है दैनिक जागरण। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए जेई का एग्जाम का इन्होंने डेट दिया है, ये रिशेड्यूल हुई थी जो कि मई से लेके जून के बीच। तो आपने देखा होगा कि मई से जून में ही जेई का एग्जाम हुआ था, उसी के बाद आरआरबी एनटीपीसी जो है जून से लेके सितंबर तक की कही गई, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है इसी महीने चालू हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी बात कर लेते हैं फाइनल रेलवे ग्रुप डी की। तो रेलवे ग्रुप डी का आप देख पा रहे होंगे नोटिस, यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की टोटल पोस्ट जो है 1,03,069 पोस्ट और इसका जो एग्जाम है वो सितंबर से अक्टूबर, यानी कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है ये इसकी नोटिफिकेशन जो है एडमिट कार्ड इसी हफ्ते के बाद निकलने लगेगा और पहले एनटीपीसी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपका अगले महीने यानी कि सितंबर आखिरी से लेकर अक्टूबर के बीच में आप लोगों का पेपर 1-1.5 महीने तक चलेगा और रेलवे ग्रुप डी का पेपर शुरू हो जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे आपके तैयारी के लिए हमारे चैनल पे स्टडी मटेरियल वगैरह और पूरी तैयारी कराई जाएगी रेलवे ग्रुप डी की।